Assalamualaikum, hi friends, welcome to my channel. आज आप सभी के साथ फेस्टिवल स्पेशल शकरपारा रेसिपी शेयर करूंगी। इसका बहुत सारा नाम होता है, हर एक जगह अलग अलग नाम से इसे पहचानते हैं। ये खाने में बहुत ही डिलीशियस होता है, बहुत ही क्रिस्पी बनता है और आप इसे बनाकर बहुत दिन तक स्टोर भी कर सकते हो। हम आज यह बिल्कुल हलवा स्टाइल शकरपारा रेसिपी शेयर करूँगी, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सूखा सिरप बनाएंगे, तो इसके लिए एक पैन में 2 कप चीनी और 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे। आप चीनी आपका टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हो, आपको जितना मीठा पसंद है। अब लो फ्लेम के ऊपर इस सूखा सिरप को हम छोड़ देंगे। तो डो बनाने के लिए एक बाउल में 2 कप ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा ले लिया है। इसमें 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। आप 2 टेबल स्पून वेजिटेबल घी और डालडा ऐड कर देंगे। अब हाथों की मदद से सब कुछ बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो बिल्कुल ब्रेड क्रम्स जैसा टेक्सचर कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्रेड क्रम्स जैसा टेक्सचर कर लिया है। आप देखिए इस तरह से हम चेक कर लेंगे, देखिए एक टाइट बॉल जैसा बन रहा है, तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो डो बनाने के लिए हमने 1 कप फ्रेश मिल्क लिया है। आप थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करेंगे और एक मीडियम सॉफ्ट डो बनाएंगे। देखिए डो बनाने के बाद 1 कप मिल्क से इतना मिल्क बच गया है। अब अच्छे से नीट करने के बाद इस बाउल को हम कवर करके 30 मिनट्स के लिए साइड में रख देंगे। अब चाहो तो गीला कपड़े से भी इसे ढककर रख सकते हो। तो 30 मिनट्स के बाद एक फिर से इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से नीट कर लेंगे। नीट करने के बाद 2 हिस्सों में देखिए हमने डिवाइड कर लिया है। अब एक स्मूथ बॉल बनाएंगे। अब देखिए इस तरह से हम बेल लेंगे। तो देखिए बेलने के बाद थिकनेस इस तरह का रखना है, या फिर आप अपना चॉइस के अनुसार और थोड़ा पतला भी कर सकते हो। अब इसे गरम तवे के ऊपर रख देंगे और गैस का फ्लेम अभी लो करके 10 सेकेंड करके दोनों तरफ हम सेक लेंगे, देखिए जैसा आप वीडियो में देख रहे हो। तो देखिए इस तरह से कुछ कलर ऊपर नहीं आना चाहिए, जस्ट 10 सेकेंड्स करके दोनों तरफ सेक लेना है। हो गया है, अब हम इसे किचन सर्विस में ले लेंगे। तो अब हम कट्स लगाएंगे, आप अपना पसंद के अनुसार कट्स लगा सकते हो। तो देखिए अब इस तरह से हम छोटा पीसेस कर लेंगे।
तो तेल भी हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम गरम तेल के अंदर थोड़ा थोड़ा करके शकरपारा ऐड कर देंगे। एक बार हम ज़्यादा करके ऐड नहीं करेंगे। तो ऐड करने के बाद गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे। लो फ्लेम में इसे क्रिस्पी और गोल्डन करके हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आ गया है, बिल्कुल गोल्डन कलर आ गया है और क्रिस्पी भी हो गया है। तो अब हम इसे टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेंगे। तो सारे शकरपारा फ्राई हो गया है। हम आपको एक तोड़ के दिखाते हैं। देखिए तो देखिए ये बहुत ही क्रिस्पी हुआ है और बहुत ही अच्छा कलर भी आया है। तो आपको ये बात का भी ध्यान रखना है, लो फ्लेम के ऊपर ही इसे फ्राई करना है, तब भी ऐसा क्रिस्पी होएगा। तो देखिए सुगर सिरप भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो इस रेसिपी के लिए सुगर सिरप को थोड़ा स्टिकी बनाना है, तो इसीलिए थोड़ा स्टिकी होना है। आपको चेक करना है, एक तार आने के बाद ही आपको शकरपारा ऐड करना है। अभी फ्राई किया हुआ शकरपारा ऐड कर देंगे और अभी गैस का फ्लेम हाई करके एक मिनट के लिए इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो एक मिनट मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसा आप वीडियो में देख रहे हो। तो देखिए शुगर सिरप और शकरपारा बहुत ही अच्छे से कोट हो गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखिए शकरपारा को हमने बाउल में ले लिया है। तो अब इसे पूरी तरह से ठंड करने के बाद एयरटाइट कंटेनर में भर के बहुत दिन तक आप रख सकते हो, बिल्कुल क्रिस्पी रहता है, फ्रेश रहता है। तो देखिए बिल्कुल हलवाई जैसे शकरपारा बनी है और देखिए ये बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत ही टेस्टी है। प्लीज़ आप भी इस रेसिपी को घर पे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आप सभी को पसंद आएगी और बच्चों को भी पसंद आएगी। ये खाने में बहुत ही डिलीशियस होता है। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।